हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर छविकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है। देखिए, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो है डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो आज मैं उनके सारे वो बताऊंगी किस किस डिफरेंट वे से डायरेक्टर का जो है अपॉइंटमेंट हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए, बाय द आर्टिकल्स, इट मीन्स है कि जो कंपनी के पहले डायरेक्टर होते हैं, जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनका अगर नाम मेंशन है तो वही फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। अगर आर्टिकल में उनका नाम मेंशन नहीं है तो उन्होंने कोई प्रोसीजर दे रखा होगा कि इस तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, तो कंपनी को वही प्रोसीजर फॉलो करके जो है फर्स्ट डायरेक्टर को जो है अपॉइंट करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बाय द आर्टिकल, इट मीन्स जो फर्स्ट आर्टिकल होते हैं वो या तो आर्टिकल में नेम्ड होने चाहिए, अगर आर्टिकल में नेम नहीं है तो उन्होंने जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा आर्टिकल ने, उसी के हिसाब से हम फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। सेकंड आपका आता है बाय कंपनी। देखिए, फर्स्ट डायरेक्टर को छोड़ के बाकी के सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कंपनी अपनी जनरल मीटिंग में अपॉइंट करती है। इस मीटिंग में क्या करती है, वो 2/3 जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें रोटेशन बेसिस पे करती है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे किसी कंपनी में कितने हैं आपके टोटल, आपको जो है 6 डायरेक्टर हैं, तो 6 डायरेक्टर का 2/3 कितना हुआ, 4। तो 4 डायरेक्टर तो आपके रोटेशनल होंगे और 2 डायरेक्टर आपके परमानेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। अब इन रोटेशनल डायरेक्टर में से भी 1/3 हर साल जनरल मीटिंग में रोटेट होंगे, तो इट मीन जितने भी 2/3 है उनका मैक्सिमम जो टेन्योर है वो कितना हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी डायरेक्टर कंपनी अपॉइंट करेगी, 2/3 तो रोटेशनल डायरेक्टर होंगे और बाकी के 1/3 जो है वो परमानेंट डायरेक्टर होते हैं। और अगर कंपनी की जनरल मीटिंग होल्ड नहीं होती है मैक्सिमम परमिशेबल लिमिट में, तो उस डेट को जो रोटेशनल डायरेक्टर है वो अपना ऑफिस जो है वैकेट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर। देखिए, आर्टिकल भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर्स जो हैं, 3 तरह के डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर एंड टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, अगर डायरेक्टर को लगता है कि जितने हम डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं हमें और एक्स्ट्रा डायरेक्टर चाहिए, तो वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपनी बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी कर सकते हैं, अगर कोई डायरेक्टर जिस स्टेट में बोर्ड मीटिंग हो रही है उससे 3 महीने से ज़्यादा वो एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पे जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आता है तभी जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर है उसको अपना ऑफिस जो है वैकेट करना पड़ेगा। लास्ट कैटेगरी क्या है, टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई भी डायरेक्टर रेजिग्नेशन से अपनी वो जो है ऑफिस को वैकेट करता है, या डेथ हो जाती है उसकी, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इट मीन्स रोटेशन के अलावा जिन भी तरीके से अगर डायरेक्टर का ऑफिस वैकेट हो जाता है, तो उस वैकेंसी को भी कैजुअल वैकेंसी कहते हैं और डायरेक्टर अपनी जो है बोर्ड मीटिंग में उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिससे कंपनी को बचाना है, इसके शेयर होल्डर को बचाना है, इसके डिबेंचर होल्डर को बचाना है, तो वो भी जो है अपनी तरफ से जो है डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टी। देखिए, कंपनी को बहुत से लोग लोन भी देते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर लोन दे रहे हैं या बैंकिंग कंपनी लोन दे रही है, तो वो भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर सकती है। फिर आता है अपॉइंटमेंट बाय स्मॉल शेयर होल्डर। अगर कोई पब्लिक कंपनी है जिसकी कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ और उससे ज़्यादा, अगर उसमें 1,000 शेयर होल्डर हैं जिनके पास जो शेयर की नॉमिनल वैल्यू है वो 20,000 या उससे कम है, तो वो भी एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये थे डायरेक्टर के डिफरेंट वे। एक बार मैं आपको और बताती हूँ, आर्टिकल फर्स्ट डायरेक्टर को कर सकता है,
कंपनी हर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, 2/3 इसमें से रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं, फिर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एडिशनल डायरेक्टर को कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को कर सकते हैं और कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो कंपनी और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। डिबेंचर होल्डर बैंकिंग कंपनी जो थर्ड पार्टी होती है वो भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। स्मॉल शेयर होल्डर भी जो पब्लिक कंपनी के होते हैं जिनकी 5,000 से ज़्यादा की कैपिटल होती है, 5 करोड़ से ज़्यादा की कैपिटल होती है, या 1,000 शेयर होल्डर जिनकी नॉमिनल वैल्यू शेयर की जो है 20,000 या उससे कम होते हैं, वो भी एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन सब में एक होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि जो डायरेक्टर होते हैं वो मेजोरिटी से अपॉइंट होते हैं, इसका मतलब जिन शेयर होल्डर के पास 51% की वोटिंग राइट है, शेयर होल्डिंग है, वो कर सकते हैं, तो जो 49% बचते हैं उनका तो कोई भी उसमें वॉइस नहीं होगी। तो इसीलिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को लिया गया है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, हम जो डायरेक्टर को इलेक्शन करने के लिए है उसमें कोटा फिक्स कर देते हैं कि भाई इतनी वोट जिसको मिलेंगी वही डायरेक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 6,000 वोट है टोटल मिला के और 5 डायरेक्टर को उसे अपॉइंट करना है, ठीक है। कंपनी के पास टोटल वोटिंग कितनी है, 6,000 की वोट से उसकी सभी शेयर होल्डर को मिला के और 5 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। अब हमें इसमें निकालना है कि एक डायरेक्टर को जीतने के लिए, अपॉइंट होने के लिए कितनी वोट चाहिए। तो 5 डायरेक्टर है तो 5 में आप 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप ये जो 6,000 वोट की इनको 6 से डिवाइड कर दीजिए और +1 कर दीजिए, तो ये कितना आएगा, 1,001 आ जाएगा। तो इट मीन्स डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए 1,001 वोट चाहिए। और हम वोटर्स को बोलते हैं कि आपको 5 डायरेक्टर चूज करने हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस देंगे कि पहले डायरेक्टर की प्रेफरेंस ये है, सेकंड की है, थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है। तो आपको अपनी वोटिंग में सभी डायरेक्टर के लिए अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब जिस डायरेक्टर को सबसे पहले 1,001 वोट मिल जाती है उसका अपॉइंटमेंट हो जाता है, और उसके पास जितनी एक्सेस वोट आती हैं, जरूरी नहीं उस पर 1,001 हो सकता है उस पर 1,500 वोट आई हो, तो जो 1,001 के बाद उसको जितनी वोट मिलती हैं वो सेकेंड प्रेफरेंस वाले को मिल जाती है। फिर जब सेकेंड प्रेफरेंस वाला जीत जाता है तो उसकी एक्सेस वोट थर्ड को भेज जाती है, पास ऑन हो जाती है, इस तरह से ही प्रोसीजर चलता रहता है। तो इसे कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना। मेरे को लगता है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप चुटकियों में बता सकते हैं एट द स्नैप ऑफ योर फिंगर कि डायरेक्टर का कैसे अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट डायरेक्टर कब होते हैं, रोटेशनल कब होते हैं, थर्ड पार्टी कब करती है, डायरेक्टर कब करती है, स्मॉल शेयर होल्डर करते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं जिससे कि सभी कंपनी के शेयर होल्डर को जो है अपॉइंटमेंट करने में अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करना पड़े। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।